ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै ईष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गौर गोविंद महाराज श्रील भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले सप्ताह में हम लोग श्रवण कर रहे थे जो श्री चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद कहते हैं, ये ऐसे एक ग्रंथ है जो एक ग्रंथ अगर इसी जगत में रहे और सारे ग्रंथ जगत से अंतर ध्यान हो जाए, एक ही ग्रंथ ही सारे ग्रंथ का अभाव पूरी करे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये ऐसे के ग्रंथ हैं जिस ग्रंथ को सुनने से जितने हमारी गौड़ीय जो फिलोसफी है जो गौड़ीय सिद्धांत है वो सारे चीज ये ग्रंथ श्रवण करने से हमें सारे तत्व हमें पता चल जाएगा है। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कृष्णा दास कविराज रसे भंडारी जतने राखिल प्रेम हे मकुंभ भारी। तब ये ग्रंथ विषय में श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं उदाहरण दिया है, बोले ग्रंथ का रचयिता कौन है, बोले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है, बोले राधा रानी की एक सहचरी एक सखी है, ये एक सखी राधा रानी की। तो इन्होंने क्या किया, उदाहरण दिया ये जो इनका नाम है कृष्णदास कविराज। कविराज मतलब है जितने कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ राजा है, ये कवियों में ये राजा है। तो इन्होंने क्या किया, कहती जतने राखिला प्रेम हेम कुंभ भरी। हेम कुंभ मतलब होता है सोने की कलसी, और उन्होंने जैसे हम किसी सोने का कलसी में जिसे बड़े सुंदर कोई जूस हो जैसे रख लेते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठीक वैसे ही कहते राधा कृष्ण का जो प्रेम धन को ये चैतन्य चरितामृत नहीं ये एक सोने की कलसी में ये प्रेम को भर करके उन्होंने रख लिया है, हैं? इसलिए ये ग्रंथ को श्रवण करने से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर ये ग्रंथ को कोई श्रवण करेगा तो सारे सिद्धांत को सारे रस को और हमारे गौड़ीय फिलोसफी को वो अच्छे तरह से ग्रंथ पढ़ने से समझ सकता है। इसलिए
और विशेष करके हम लोग पहले श्रवण किया था, प्रभुपाद कहते हैं जैसे श्रीमद् भागवत है, जैसे भागवत में सार किया है बोले दशम स्कंध, और दशम स्कंध में सार किया है बोले श्री रासलीला। क्या है बोलो जोर से, रासलीला मतलब क्या? रास नहीं रस, रास नहीं वो रस है जहाँ पर केवल रस ही रस है। इसलिए रासलीला में जो पांच अध्याय को बताया ये पंच प्राण है। उदाहरण दिया जैसे हमारे शरीर है, शरीर है लेकिन अगर उसमें प्राण नहीं हो तो, शरीर तो है लेकिन अगर उसमें प्राण नहीं हो तो बेकार है। कहते अप्राण शैव देह मंडनम लोक रंजन, जैसे एक शरीर प्राण नहीं, पूरा शरीर को हम सोने चांदी से उसको अच्छे तरह से श्रृंगार करें कोई महत्व है? उसमें तो प्राण नहीं है, जब प्राण नहीं उसको सजाने का क्या लाभ है, बेकार ही है। क्या ठीक उसी तरह कहते ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कहते उसमें जो पांच टपिक, जैसे रासलीला का पांच अध्याय पंच प्राण है भागवत का, मतलब है अगर भागवत में अगर रासलीला नहीं तो सब बेकार है, प्राण ही नहीं है, ये प्राण ही नहीं है। कहते उसी तरह कहते ये चैतन्य चरितामृत में भी कहते उसमें पांच टपिक है जो कि इसमें पंच प्राण। हम पहले एक टपिक का श्रवण किया था, पहले क्या सुना था? श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा है, महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान किया उसमें एक टपिक वो तो संपूर्ण पूरी नहीं हुई, कुछ थोड़ी बाकी रह गई थी, मैंने बोला ही नहीं। इसलिए अभी हम एक टपिक कोशिश करने सुनने के लिए, ये रथ यात्रा है, इसलिए रथ यात्रा प्रसंग है। कहते जो रथ यात्रा प्रसंग है उसमें एक टपिक, पंच पांच टपिक में एक टपिक। और गुरुदेव जब मैं सर्वप्रथम मथुरा में आया, जगन्नाथपुरी से मथुरा में आए, तो गुरुदेव ने हर साल में रहता था जगन्नाथपुरी में, रथ यात्रा में रथ यात्रा दर्शन करता था, रथ को खींचता था दर्शन करता था। लेकिन उसमें मेरे को जो अनुभूति हुई थी, लेकिन जब मैं मथुरा में आया और गुरु जी से ये रथ यात्रा श्रवण किया है ना, समझो गुरुदेव ने 10-15 दिन तक उन्होंने केवल एक रथ यात्रा का विषय को 10-15 दिन तक उन्होंने बोले, और इतने सुंदर रूप में गुरु जी कथा सुनाए, इतने सुंदर गुरुदेव कथा सुनाए, पूरा के पूरा भागवत, रासलीला, गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, वेणु गीत, जितने गीत है ना गुरुदेव, मतलब जो रस जो रथ यात्रा उन्होंने गुरुदेव इतने सुंदर कथा सुनाए, फिर मेरे को अनुभूति हुआ। अभी यद्यपि मैं पहले में रथ यात्रा दर्शन करता था, लेकिन जब गुरु जी से कथा सुना ना, मेरे को लगा सचमुच से रथ यात्रा दर्शन करना हो गया, रथ यात्रा दर्शन करने हो गया। क्योंकि इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, गौरव आमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे, सैसव स्थान है प्रणय भक्त संगे। अगर हम धाम में जाते हैं, अगर हम भक्तों का अनुगत्य में नहीं करें, केवल घूम घाम करके आ जाए ना, बल भैया कुछ तुमको मिलाएगी, जैसे नवद्वीप धाम गए, अगर भक्तों का संग नहीं हो तो क्या देखेंगे, पेड़ पौधा, बड़े बड़े मकान, मंदिर देख कर वापस चले जाएंगे। लेकिन जब वहां पर बैठ करके रसी की भक्तों की अनुगत्य जब कथा सुनेंगे ना, वहां की जो महिमा को सुनेंगे, फिर पता चलेगा ये स्थान का क्या महिमा, हमने यहाँ पर क्यों आए, महाप्रभु ने यहाँ पर किया क्या है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं रसी की भक्तों का अनुगत्य से धाम दर्शन करने चाहिए। प्रभुपाद तो आंखों से नहीं दर्शन करो, किससे दर्शन करो? कानों से दर्शन करो, मतलब वहां की महिमा को श्रवण करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जब हम गुरु जी से कथा सुने, इतने मेरे को प्रसन्न, इतने प्रसन्न हुआ, रथ यात्रा इतने महत्व है, इतने रथ यात्रा की बात पे हमको पता ही नहीं था। हाँ, जगन्नाथ जी कौन, सुभद्रा कौन, बलदेव कौन, इनको क्यों खींचते हुए ले जाते किया, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हैं? कुछ पता ही नहीं था। इसलिए हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, हैं? थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे सुनने के लिए। इसलिए पहले जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में कहते रहते हैं कहाँ पर, वो द्वारका में, पूरी में गए ना, वहां पर दो मंदिर है, जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते हैं उसको लक्ष्मी को साथ में रहते हैं, इसलिए उसको मानी जाती है द्वारका। लेकिन रहते तो द्वारका में लक्ष्मी को साथ में, लेकिन
कृष्ण की इच्छा होता है साल में एक बार वृंदावन भी जाए और वृंदावन में राधा रानी से मिले, गोपियों से मिले, नंद यशोदा से मिले, मेरे जो सखा प्राण प्यारे सखा दाम वसुदाम श्रीदाम सखाओं से भी मिले। साल में एक बार इच्छा होता है जाने के लिए, हैं? जाने के लिए इनकी इच्छा होती है। आप देखना आपको जाने की कहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ पर प्यार है, प्रेम है, हैं? कितना प्रेम बिना बिना दरिद्र जीवन, जगत में जो प्रेम है ना मूल वस्तु सब कुछ है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। लेकिन कुछ नहीं हो हैं? दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर भेदाए। दुर्योधन तो छापान भोग 36 व्यंजन बना कर रखे थे, लेकिन सबको कृष्ण त्याग दिए। विदुर जी के घर में गए, ठाकुर जी साग भाजी और केले का छिलका खाए, क्यों? प्रेम है, प्रेम है। किसको घर में गए, बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाए, लेकिन प्रेम नहीं। लेकिन किसके घर में गए, प्रेम बहुत ज्यादा, सीधा साधा खाना खिलाया। बताओ कहाँ क्या अच्छा लगेगा आपको, बढ़िया बढ़िया खाना अच्छा लगेगा ना, कोई प्रेम से जो कुछ दिया उसको अच्छा लगेगा। इसलिए प्रेम में नहीं, और असली जो प्रेम है ना ये ब्रजवासियों में अंदर में ही असली प्रेम। इसलिए कृष्ण चाहते एक बार जाए दर्शन करें, लेकिन लक्ष्मी को भूलने में डरते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का दो पत्नी हो, दो जगह पर अलग अलग रहे, अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी को बोले दूसरे पत्नी से मैं थोड़ा मिल कर क्या हूँ, बताओ ये पत्नी क्या बोले, बोले जाना तो वही जाओ, यहाँ आने का जरूरत नहीं है, वही जाकर रहा करो। इसलिए रोटी फेंक कर देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी है, और थुत्कार करके बोलेगी, बोले वही पर जाकर रहता, आने का जरूरत नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी लक्ष्मी को बोलने में डरते हैं, लक्ष्मी को बोलने में डरते हैं। एक बार वृंदावन जाकर गोपियों से राधा रानी से मिल करके बहुत डरते हैं, क्योंकि बोल देंगे तो भैया खाना ही बंद हो जाएगा, खाना ही बंद हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ जी बहुत डरते हैं बोलने के लिए, लेकिन इच्छा करता है एक बार साल में जाकर के मिल करके आ जाओ। इसलिए जो वहां पर जो दूसरा मंदिर जो गुंडीचा मंदिर है उसको मानी जाती है वृंदावन सुंदराचल मंदिर है, सुंदराचल मानी जाती है। इसलिए जगन्नाथ जी साल में एक बार इसी मंदिर से उसी मंदिर साल में एक बार आते हैं। इसलिए जब आना चाहते हैं, लेकिन वो जो मंदिर है ना साल भर वैसे ही खाली पड़ा रहता है, है? खाली पड़ा रहता है। फिर ठीक जगन्नाथ जी जाने से एक दिन पहले राजा क्या करता है, नौकरों को देख करके फिर वो मंदिर को साफ सुथरा करवाते हैं, नौकरों को देख करके। इसलिए और हर साल तो नौकर को देख रेख करते थे, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर के जब उन्होंने जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथपुरी में आने पर अभी महाप्रभु स्वयं चाह रहे हैं वो मंदिर को स्वयं साफ करने के लिए चाह रहे हैं। उनकी इच्छा मैं अपना परिक्रम को द्वारा साफ कर रहा हूँ, क्योंकि जो वृंदावन नहीं ये राधा रानी के निकुंज मंदिर है, है? राधा रानी के वो निकुंज मंदिर है, और जो निकुंज मंदिर है जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर आएंगे, राधा रानी क्या करती हैं? अब देखना जब कभी कभी राधा रानी की सुख पति है, कहते श्री प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबने न एकांत कनन्य रहस्य पाठ निकुंज प्रसाद सदा निवास। जो भागवत में जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, इसको श्री कवि कर्णपुरु कहती, वो साधारण तोता नहीं, कहती राधा रानी के निकुंज मंदिर में रहने वाले तोता है, जिसको स्वयं राधा रानी क्या करती है, अनार का दाना खिलाती है, कृष्ण नाम पढ़ाती है। बोले बोलो तो कृष्ण कृष्ण, तोता भी बड़े मीठी मीठी बोली से बोलते कृष्ण कृष्ण है। इसलिए और कभी कभी राधा रानी क्या करती है, जो तोता को ना कृष्ण रूप मान करके राधा रानी कभी उसको चुंबन करती है। जब चुंबन करती है राधा जी की जो अधरा मृत, चुंबन करने पर क्या होगा, राधा जी की अधरा मृत उनको ठोंठ पे लगा हुआ। इसलिए आप भागवत सुने होंगे जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, 88,000 ऋषि वहां पर बैठे हुए थे, सब दाढ़ी बड़े बड़े लंबा जटा जूट 100 साल 500 साल 1,000 साल के, लेकिन जब कथा सुने किसके मुंह से कथा सुने, कथा जब सुने ना सबसे नंगे धड़ेंगे, सबसे कम उम्र नंगे धड़ेंगे, कपड़ा है ही नहीं,
श्री सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने, लेकिन वहां पर बड़े से बड़े सब ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे। बोले कारण किया, कारण ही वो जो तोता है ना सुखदेव गोस्वामी, वो कोई साधारण तोता नहीं, राधा जी के लिए अत्यंत अत्यंत प्रिय तोता है। राधा रानी जिनको बड़े प्यार करती है राधा रानी, वो तोता है। इसलिए कभी जो तोता को कभी राधा रानी कृष्ण को, कृष्ण राधा रानी को पास में मैसेज भेजते हैं। राधा रानी कहती देखो जाकर के श्याम सुंदर को बोलो। बोले क्या बोलो? बोले आज मैं अमुक स्थान पर अपना हाथों से मैं कृष्ण के लिए मैं कुंज बनाऊंगी, कृष्ण के लिए कुंज बनाऊंगी। और राधा रानी कभी फूलों की कुंज बनाती है, कभी पत्ते की कुंज बनाती है, कभी सुंदर हैं फूल दे करके बड़े सुंदर उन्होंने चंद्रता बनाती है, ललिता को दे करके ललिता विशाखा चंपक लता सब सखियां मिल करके कृष्ण के लिए अपना हाथों से बड़े सुंदर वृंदावन गए। गर्मी का समय तो गए नहीं, गर्मी का समय कभी जाओगे ना वहां फूल बंगला देखना, फूल बंगला देखना है क्या फूल बंगला। एक एक दिन चार चार पांच पांच लाख रुपया खर्चा होता है वहां पर। जैसे बांके बिहार राधा वाला में फूल बंगला होता है, क्या सुंदर फूल का क्या छतरी, फूल का कली को दे दे करके ठाकुर को पूरा पोशाक, ठाकुर का सारी पोशाक फूल की कलियों से बनती है, छोटी कलियों से बनती है, हैं क्या फूलों की बंगला वहां पर बनती है। इसलिए अगर ये लोग ऐसे बना सकता है, राधा रानी अगर बनाए तो ललिता बिना है सखी रूपमा जी बनाए, बता कितना सुंदर होगा है, कितने प्यारा होगा कुंज। इसलिए कुंजों को कौन बनाती है? राधा रानी सखियों को देकर बनाती है। क्यों? जो कुंज में श्री कृष्ण चंद्र है, श्याम सुंदर है। इसलिए कहते जो गुंडीजा मंदिर नहीं, कहती है राधा रानी की कुंज महल वो है, वृंदावन की कुंज महल श्री कहते गुंडीजा मंदिर है। इसलिए जिसको राधा रानी अपना प्रेम से जो कुंजों को बनाती है, इसलिए जब महाप्रभु वहां पर थे ना, भले जिस कुंजों को स्वयं राधा रानी बनाती है, महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही ना, कृष्ण ही अभी राधा जी की भाव अंकांत लेकर के आए। इसलिए महाप्रभु बोले अरे ये कुंज मंदिर को नौकर दे करके, पैसा दे करके नौकर को देकर सेवा थोड़ी होता है, पैसा दे करके नौकर से सेवा नहीं होता है, सेवा तो प्रेम से होता है, सेवा प्रेम से होता है, पैसा से सेवा नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहते ये भृतक सेवक है, पैसा से सेवा नहीं, सेवा तो होता है प्रेम से होता है। इसलिए बोले ये पैसा देकर नौकर से सेवा करेंगे, स्वयं महाप्रभु बोले ये सेवा को मैं स्वयं अपना परिकरों को लेकर के नित्यानंद अद्वैत आचार्य और गदाधर श्रीवास पंडित सब कौन है, सबके सब एक तरह से राधा रानी का सखा सखी सबके सब, और इसको हम स्वयं अपना हाथों से ही हम सेवा करेंगे। इसलिए यहाँ पर जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये गुंडीचा मंदिर मार्जन जब लीला को यहाँ वर्णना कर रहे हैं, वो हर अध्याय शुरुआत से पहले वो अध्याय में क्या विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु को एक श्लोक के माध्यम से सारे विषय वस्तु को बोल करके फिर वो विषय को शुरू करते हैं। वो जो पहला जो श्लोक किया है बोले श्री गुंडीचा मंदिर महात्म वृंदई समार जयन खालयंत गौर सोचित बात शीतलम मुज्ज्वलं च कृष्ण पैकम चकार। इस श्लोक में कहते हैं महाप्रभु ने वो जो गुंडीचा जो मंदिर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने समस्त भक्त वृंद को लेकर के उन्होंने समार जयन मतलब केवल मार्जन नहीं, साफ नहीं, केवल साफ सुथरा नहीं किया, एकदम अच्छे तरह से साफ किया है। इसको बहुत बढ़िया से उन्होंने साफ किया है। बोले कैसे साफ किया? कहते उदाहरण दे सो चित्त बत शीतल उज्ज्वल अपना जैसे हृदय है वैसे साफ किया। महाप्रभु किसी भाव से सेवा कर रहे थे? राधा जी की भाव, राधा जी की भाव, राधा जी के हृदय कितने पवित्र है, जिसमें श्री श्याम सुंदर ही, जिस पवित्र हृदय में श्याम सुंदर के सिवाय और कोई स्थान नहीं, और जिनकी रोम रोम में कौन बैठे हुए, कहते श्री श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, हैं? उद्धव जो ब्रज में गए और उनको राधा रानी को ध्यान की बात बताई, बोले तुम कृष्ण के लिए क्यों रो रहे हो, अब बताओ कृष्ण कहाँ नहीं, कृष्ण तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं तो बताओ, हैं उनको क्यों ध्यान करते हो, हैं? और जहाँ उनको और उनके लिए क्यों रोते हो, उनके लिए क्यों रोते हो,
उनको ध्यान करना, जहाँ ध्यान करके हो तो वहीं पर है, वो कहाँ नहीं हो तो सर्वत्र है, जहाँ ध्यान करके वहीं आ जाओ। तब राधा रानी क्या कहती है, वहां पर राधा रानी क्या कहती है, बोले वो तुम कह रहे हो काले को ध्यान करने के लिए, वो काले को हम भूलना चाहते हैं, वो काले को हम भूलना चाहते, तुम कहते उसको ध्यान करो, हैं? हम तो उसको भूलना चाहते, जितने काले सब भूलते हैं सब सब। एक सत्य युग में काले आए थे कौन, बोले वामन देव, इतना बौना सा रूप धारण करके आया बलि महाराज के दरबार में, बोले देखो ब्राह्मणों को ज्यादा लोभ करना नहीं चाहिए, हमको तीन पग केवल जमीन चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तीन पग जमीनी से ही खुश हो जाएंगे। और बोले देखो संकल्प करके लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, हम किसका छुआ हुआ चीज नहीं लेते हैं, हैं? बलि महाराज बोल रहे थे तू बौना जैसे बुद्धि भी तेरी बौना है, और तीन पग जमीन और तू इतने छोटा सा, तीन पग इतने इतने छोटे से कितना लोगे, मेरे पास में इतने बड़े बड़े दैत्य हैं, उनको पाप बड़े बड़े हैं, उनको पाप में नपवा करके दे देता हूँ। बोले नहीं, हम किसको छुआ हुआ चीज नहीं लेते, अपना प्यासे नापेंगे, हैं? बोले अपना प्यासे नापेंगे। लेकिन जब उन्होंने संकल्प किया ना, एक चरण को कहां पर बढ़ाएगा, भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक तक नाप लिया, पूरा सत्य लोक तक नाप लिया, और दूसरे पग बढ़ाया तो अतल बीतल तलातल सुतल पाताल लोक तक नाप लिया। बोले बलि बड़ा दी गया करा था, इतना दान दूंगा कहीं हाथ पसारने का जरूरत नहीं, बताओ। दो पग में विश्व ब्रह्मांड ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, वरुण पास से बांध दिया, वरुण पास से बांध दिया। इसलिए राधा रानी कहती हैं, जैसे कौवे है ना, कोई चीज लेकर के जाओ तो फिर मैं कौवा खुद खाएगा, और कौवा के स्वभाव कोई खाने का चीज मिले का 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 करना शुरू कर देता है, और सारे कौवा को इकट्ठे कर लेता है, और खाता भी और ठोकर भी मारता है, कहती है काले ऐसे ही है। अरे तू ले लिया त्रिभुवन का राज्य ले लिया, फिर बलि महाराज को बांध भी दिया, उसका ले लिया और बांध भी तुमने दिया, हैं? ये सब काले हैं, ये आया था सत्य युग में, दूसरा काला आया तृतीय युग में, आया कौन, बोले भगवान राम आए, ये भी काले थे, हैं? ये भी काले थे। उन्होंने क्या किया, जंगल में गए वनवास, वनवास गए थे ना, लेकिन उनका वेश कैसे था, ऋषि बलकल धारण किए थे ना, ऋषि मुनि का ऐसे कपड़ा पहने थे कि नहीं, ये साधु का वेश है, हैं? जटा जो साधु का वेश, वो देखो फिर स्त्री को लेकर गए साधु वेश वह स्त्री, फिर यही नहीं, फिर धनुष, साधु के पास धनुष होता है, फिर धनुष लेकर गए, हैं? धनुष लेकर गए, फिर स्त्री को लेकर गए, ये कोई व्यवहार है। फिर देखो सुपर्ण का आसक्ति हो गई, सुपर्ण का आसक्ति हो गई, बोले सुपर्ण का कोई दोस्त था, कोई दोष नहीं, तो कोई दोष नहीं था, स्त्रियों का स्वभाव किसी सुंदर व्यक्ति को देखे आकृष्ट होना स्वभाव है स्त्रियों का, बल तू अगर इतना सुंदर नहीं होता तेरे प्रति आकृष्ट होते तो इतना सुंदर क्यों बना, तो इतना सुंदर क्यों, अगर सुंदर नहीं होता तुम तो आकृष्ट नहीं होते, तो इतने सुंदर था तभी तो आकृष्ट हुए, उसका कोई दोष नहीं। हाँ, वो तुमको शादी करने के लिए बोला, भैया शादी नहीं करना, कर मत करो, लेकिन उसका नाकान क्यों काटे, इसका नाकान काट दिया ना, क्यों नाकान काट, मतलब ये जो चीज ना बेजस्तुति, बेजस्तुति मतलब ऊपर से दिखता है जैसे निंदा, लेकिन अंदर में स्तुति है, उनकी प्रशंसा है, कहते वो एक तृतीय युग में काले है, देखो एक वो ही काले, अभी कृष्ण भी काले हैं, हमको कितने सुंदर मीठी मीठी बंसरी बजा करके हमको बुलाया है, रासलीला भी बुलाया, फिर बीच में छोड़ कर चला गया, और हम कितना प्यार प्रेम कितना दिया, और दे करके उसने क्या किया, फिर हमको छोड़ करके कहा मथुरा और द्वारका चला गया। इसलिए उन्होंने बड़े तरह तरह से कृष्ण को उलाहना दे रही थी। इतने में उद्धव जी ने कहा, भैया मैं जब से आ रहा हूँ तब से तुम्हारी मुंह से कृष्ण कथा छोड़कर कोई कथा ही नहीं निकल रही, उधर तो निंदा कर रहे हो कृष्ण ऐसे ऐसे काले, लेकिन जब से आया तब से केवल उनकी उन्हीं की कथा बोलते जा रहे हो। अरे और किसका बात तो बोलो, अगर कोई व्यक्ति इतना खराब उसका बात ही छोड़ दो ना, फिर दूसरा बात छोड़। देखो राधा रानी क्या कहती है, अरे यही तो चक्कर है, हम चाहते हैं उसको भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। वो अंदर में फंस गया, ऐसे वो निकल नहीं रहा है। हम कान को बोलते हैं, कान सुनना तो और किसी चीज को, कृष्ण की बंसुरी की आवाज सुनो मत,
लेकिन ये कान्हा में कृष्ण की बंसरी को छोड़ करके ना कोई कोई चीज ही नहीं घुसती है। ये जीवा को हम बोलते हैं भैया कृष्ण कथा छोड़कर और तो कुछ बात बोल, लेकिन ये जीवा ऐसे निगोड़ी जीवा, इसमें तो कृष्ण कथा छोड़कर कुछ आता ही नहीं है। ये मन को हम बहुत समझाए कृष्ण को छोड़ और कोई चीज को चिंता करो, लेकिन ये मन और कृष्ण को छोड़कर वो कोई चिंता ही नहीं करता है। ये प्यार को समझाते हैं, जहां पर कृष्ण को साथ मैंने लीला की वहां मत जाओ, और कहीं हो जाएगा तो घर ही जाएगा। मतलब हम अपनी समझाते हैं कृष्ण को भूलने के लिए, लेकिन हम कृष्ण को भूल नहीं पाते। यही प्रेम, इसको कहते रागानंद भक्ति है। इसको स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति जो हम चित्त भेजते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कृष्ण को याद करना चाहते हैं लेकिन कृष्ण ही याद नहीं। जब हम बैठते हैं सवेरे आनी करेंगे हरिनाम करेंगे है भगवान की चिंता करेंगे, तो आग बंद करते ना दुकान में चला गया, नहीं तो किसी गोल गप्पे की दुकान में, किसी यार दोस्त में, किसी मॉल में मन चली गई, मन अपना अपना काम कर रहा है। इसलिए मन अपना, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु ने वो मंदिर को कैसे साफ किया, अपना मन जैसे, अपना मन जैसे। कहते राधा जी के मन में बसे घन श्याम, बसे घन श्याम, श्याम जी की मुरलिया में राधा जी के नाम। राधा जी के मन में बसे घन श्याम, बसे घन श्याम, श्याम की मुरलिया में राधा जी का नाम। इसलिए राधा जी के मन में कौन बैठे है घन श्याम। इसलिए यहाँ पर कह रहे महाप्रभु वो मंदिर को साफ कैसे किया है, बोले साफ किया है सो चित्तवत, अपना जैसे चित्त हृदय जैसे निर्मल शुद्ध है जिसमें केवल कौन बैठे। इसलिए राधा रानी क्या कहती है, हाँ कहते आने हृदय मन मोर मन वृंदावन, दूसरा का जो मन है ना मन, मन किसको कहते हैं जिसमें इधर उधर का चिंतन होता है, हमारे मन में इधर उधर का चिंतन होता है तो मन। लेकिन जो राधा रानी कहते जो मेरे मन है ना, मेरा मन मन नहीं, मेरा मन तो वृंदावन है। हे श्याम सुंदर कृपा करके मेरे हृदय रूपी मन में बैठो और आपको हम ले चलेंगे वृंदावन ले चलेंगे। ये रथ यात्रा है हाँ, कुरुक्षेत्र से राधा रानी कृष्ण राधा रानी अपना हृदय रूपी मंदिर में बैठा करके उनको कहाँ ले जा रही है, उनको ले जा रही है वृंदावन ले जा रही है। इसलिए कहते सो चित्तवत, कहते शीतल और उज्ज्वल, कैसे राधा रानी का हृदय जैसे ठंडा है शीतल जैसे है राधा जी हृदय। कृष्ण क्या कहते हैं, मैं इतने मेरे शरीर इतने शीतल है, इतने शीतल मेरे शरीर है, कितना निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ चंद्रमा से भी जीन करके भगवान के शरीर कोमल है। लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरे हृदय इतना कोमल है, लेकिन जब मैं राधा रानी का हृदय राधा जी की शरीर को स्पर्श करता हूँ ना, मेरे शरीर को अगर कोई ठंडक देने वाले कौन है, राधा रानी की शरीर इतने ठंडा श्री राधा रानी के शरीर है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपना मंदिर को एकदम ठंडा किया, फिर उसके बाद में उज्जवल किया। उज्जवल मतलब भगवान कहाँ बैठेगी, इसलिए कृष्ण सबसे पहले पुतना को मारे ना, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे बोलो, किसको मारे तारका को मारे हैं। कहती है तारका और एक पुतना क्यों मारे, पुतना मतलब होता है पुतना, पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र। तारका मतलब क्या, बोले तारयती तारका, जीव को जो भगाता है। ये कौन जीव को संसार में भगाता है, काम क्रोध लोभ ही हमें संसार में भगाता रहता है, है? यही भगाते रहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उन्हें अत्यंत उसको शीतल और उज्ज्वल बनाए, कैसे कहा कि क्यों बनाए, बोले कृष्ण उपवेशो पैकम चकार, क्योंकि भगवान जहां तहां नहीं बैठते, भगवान जहां पर पवित्र हो निर्मल हो जहां पर अनर्थ नहीं हो वहीं पर ही भगवान बैठते हैं, नहीं तो ठाकुर जहां तहां नहीं बैठते। इसलिए एक श्लोक को द्वारा उन्होंने पूरा विषय को उन्होंने एक श्लोक को द्वारा बताया। तो यहाँ पर वर्णना आती है जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उन्होंने 18 साल तक रहे, उन्होंने 26 साल के बाद में तो सन्यासी महाप्रभु लिया, गृहस्थ लीला 26 साल तक किया और 26 साल तक सन्यास लीला किया,
और जब घर में रहते थे तब घर में जो रह करके भगवान को भक्ति करके भगवान को पाना चाहते हैं उनको घर में रह करके कैसे साधन भजन करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने सब चीज को भगवान हो करके क्यों कहते हैं साधु पावा बड़ कष्ट जिवेरे जानिया साधु गुरु रूप पे कृष्ण आयलने दिया। कृष्ण क्यों ये साधु रूप में आए बोले कारण है कहते कलयुग में साधु मिलना बहुत कठिन है। वैसे युग ही कलयुग है शुद्ध साधु मिलना कठिन है इसलिए भगवान स्वयं एक साधु का रूप धारण किया है। साधु रूप धारण करते हुए अपना जीवन में एक एक चीज को उन्होंने आचरण करते हुए उन्होंने सिखाया जब हम घर में रहे कैसे अपना जीवन को बिताए घर में कैसे ठाकुर की सेवा पूजा करे घर में कैसे ठाकुर जी की आरती करे तुलसी में पानी कैसे दे और कैसे साधु संतों को सेवा करे है। महाप्रभु क्या करते थे रोज रोज 15-15, 20-20 संतों को निमंत्रण देते थे और मैया को बोलते बोले मैया आज घर में कुछ साधु लोग आएंगे भोजन देना। लेकिन महाप्रभु तो गरीब ब्राह्मण घर में आए गरीब ब्राह्मण घर में ब्राह्मण लोग तो भिक्षा तरह करते थे मैया तो चिंता में पड़ जाती बोले 15-20 सन्यासी आए घर में कुछ नहीं दाल चावल कुछ है नहीं निमंत्रण कर दिया मैया को मैया तो चिंता में पड़ जाती थी अरे महाप्रभु तो भगवान है। महाप्रभु जाकर के एक सोने की डेला बोले मैं ले इसको तोड़ कर बना बोले सोने की डेला कहां से लाए हो ना हो किसी घर से तो उठाकर नहीं ले यार उनको तो पता नहीं है भगवान है ना कि सोने की डेला कहां से लाए। मैया तो बहुत सरल है आस पास सबको दिखाते बोले ये तुम्हारे तो नहीं है ये तुम्हारे पूरा गाँव में पूछती है ये सोने की डेला तुम्हारे तो नहीं तुम्हारे बोले नहीं हमारे नहीं हमारे नहीं। फिर तो उन्होंने क्या उसको तोड़ करके दाल चावल सब्जी लाते हैं फिर घर में लक्ष्मी स्वयं विष्णु प्रिया लक्ष्मी सख्या बड़े सुंदर सुंदर पुष्पांगना छनर डालना जाने तो लावड़ा है इसलिए बड़े सुंदर सुंदर रसोई बनाते भाजी भुजी और बड़े सुंदर मीठा पकवान है राजवा कढ़ी चावल और क्या ढोकला डोसा इडली सांबर इसलिए रसम सब बढ़िया बनाती है और बढ़िया बनाती है बना करके फिर उन्होंने महाप्रभु क्या करते हैं अपना हाथों से सन्यासी को अपना हाथों से महाप्रभु खिलाते हैं। तब हमारे यहाँ टीकाकार लोग कहते हैं जे सख्यात जिसको लक्ष्मी बनाया और महाप्रभु खिला रही वो संत कौन है बोले साधारण नहीं स्वयं शंकर स्वयं ब्रह्मा नारद व्यास पराशर सुखदेव गोस्वामी संत रूप में स्वयं आते हैं तो सख्यात माँ लक्ष्मी जहाँ भोजन बना रही और भगवान जहाँ हमें खिलाते जहाँ पर ठाकुर जी खिलाते साधारण व्यक्ति थोड़ी उसका ग्रहण कर सकते वो सबके सब उतर करके आते हैं और महाप्रभु सबको भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथों से सबको खिलाते। इसलिए वहां पर बताए गृहस्थ है या अतिथि सेवा नहीं करे पशु पक्षी है तो अधम बलिता है। जो गृहस्थों का नियम है साधु संत अतिथि की सेवा करनी चाहिए नियम है नहीं तो कहते पशु पक्षी से भी वो अधम है पशु पक्षी से भी वो अधम है। सेवा कर सेवा से ही सुकृति बनती है और सुकृति पुष्ट होने पर फिर भजन में रुचि होगी बगैर सुकृति से हम भजन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु 6 साल तक उन्हें सर्वत्र गए उन्होंने प्रचार किया और सर्वत्र देश विदेश में घूमे और जो 18 वर्ष केवल जगन्नाथपुरी में रहे और गंभीरा में देखा कि नहीं गंभीरा वहीं पर रह करके राधा जी की भाव में जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण विरह में जैसे दिन रात रोती थी नाक को घिसती थी और उनका शरीर लंबे हो जाता था जैसे राधा जी के अंदर में जो भाव प्रकट होता था महाप्रभु वहीं पर बैठी करके वहीं पर 18 साल तक आस्वादन किया। इसलिए महाप्रभु एक दक्षिणी यात्रा में जब दक्षिणी यात्रा से वापस आए वापस आने पर वहां के जो राधा राजा थे जिसका नाम था प्रताप रुद्र है जिस राजा का नाम था प्रताप रुद्र कहते प्रताप रुद्र महाप्रभु का प्रति बड़े आसक्त है। इसलिए प्रताप रुद्र रहते थे कहां पर कटक वहां पर जगन्नाथपुरी से आने से पहले कटक भुवनेश्वर पड़ता है वहीं पर उनको राजगद्दी था वहीं पर उनका ऑफिस वहीं से रहते थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखे सार्वभौम भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है कहते स्वयं श्री बृहस्पति जो स्वर्ग के बृहस्पति महाप्रलम सार्वभौम भट्टाचार्य राजपुरोहित है। तब राजा इनको पास में एक पत्र भेजा बोले आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु बोलो
एक बार महाप्रभु को मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आप कृपा करके बोलो। लेकिन जब बोलो, लेकिन कोई डर से ना महाप्रभु बोल नहीं रहे। बोले क्यों नहीं बोल रहे? बोले महाप्रभु सन्यासी है। जो सन्यासी है ना, राजा विषय राजभोग उनका तो ढाल बार राजा जैसे है। इसलिए शास्त्र में बताया, कहते सन्यासी को ये विषय राजा का दर्शन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देखना, जैसे टीवी में अगर हम देखते हैं ना, अमुक व्यक्ति का घर ऐसे, उसका खान पान कैसे, टेबल कैसे कैसे रहता है, हमारा मन में क्या होता है, हम भी ऐसे घर बने, है ना। किसी व्यक्ति को देखे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी, हमारे मन में क्या होता है, भैया हमें भी ऐसे पहननी चाहिए, हमें भी ऐसे। इसलिए क्योंकि आप जैसे व्यक्ति को देखोगे ना, जैसे हमारे मन में भी वैसे आती है ना। इसलिए राजा तो ठाट बाड़ में रहते, बड़े हाई फाई कपड़े फपड़े रह रहे सर। लेकिन सन्यासी कैसे, वो सीधा साधा रहने वाले। महाप्रभु गंभीरा में गए होंगे ना, कितना छोटा सा घर में महाप्रभु रहते थे, देखे होंगे कितने छोटे से घर में महाप्रभु रहते थे, गंभीरा में रहते थे। और किसी तरह से दाल और कहते लावड़ा, लावड़ा मतलब सारे सब्जी मिला करके है उसको, और अन्न उसको खा करके जो मिक्स सब्जी है, महाप्रभु किसी तरह से खाते थे। और भक्तों को बोलते थे इनको पीठा पाना सब खिलाओ, केक और जितने सब मिठाई रसमलाई सब भक्तों को खिलाओ, और मेरे को केवल चावल और गड्ढे का सब्जी बना दे। महाप्रभु बड़े वैराग्य पूर्वक उन्होंने साधन भजन किया महाप्रभु। इसलिए कहते जो जो सन्यासी है ना, उनको ऐसे विषय व्यक्ति को दर्शन नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये जो भक्त लोग, राजा ने बोले, राजा पत्र में लिखे महाप्रभु को, आप बताओ मैं मिलना चाहता हूँ, अगर महाप्रभु नहीं मिलेंगे ना, फिर मैं कान में कुंडल धारण करते हुए फिर मैं राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, त्यागी बनकर के हैं, त्यागी साधु बनकर के मैं भी घरवार छोड़कर चले जाऊंगा, महाप्रभु अगर दर्शन नहीं देंगे। लेकिन इनकी भावना को देख करके अभी सारे भक्त लोगों को बड़ी चिंताएं पड़ गई। लेकिन महाप्रभु को बोले, महाप्रभु मना कर दिया, बोले नहीं हम विषय राजा को दर्शन नहीं देंगे, नहीं करेंगे। फिर राजा ने फिर पत्र में भेज करके बोले एक और एक काम करो। बोले क्या है? बोले महाप्रभु का जो भक्त लोग है ना, उनको प्रार्थना करो। अगर वो अगर महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, हो सकता है महाप्रभु सुन लेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पर टीका में लिखते हैं, कहते कल्याण कल्पतरु ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। बोले क्या लिखे हैं? बोले कांदिया कांदिया जाना इव दुख ग्राम संसार अनलायते मागी विश्राम। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर आमा लागी कृष्ण यारे देव न प्रचुर। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर कितना अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं, हमारी इतना हिम्मत नहीं ठाकुर का दर्शन कर सके, हमारी इतना साधन भजन का ताकत है नहीं हम भगवान को दर्शन कर सके। इसलिए क्या करनी चाहिए? कितना कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो तुम्हारा सकत याचे। बोले भगवान किसके हैं? बोले भगवान संतों के हृदय में रहते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। इसलिए जब संतों की तब संपत्ति किसके है? वो संतों का ही संपत्ति, वैष्णव का संपत्ति। जैसे आपके पास में कोई संपत्ति का मालिक हो, पर आपसे मांगना पड़ेगा, है ना, है? इसलिए कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, कृष्ण संतों का ही कृष्ण, भक्तों का संत कृष्ण है। अगर वो चाहे तो कृष्ण को वो दे सकते हैं। इसलिए कहते हमारी प्रार्थना तो सुनेंगे नहीं ठाकुर जी। अगर हम संतों को रो रो करके प्रार्थना करें, अगर संत लोग हमारी रोने को देख कर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, फिर वो हमारी हो करके फिर भगवान को प्रार्थना करे ना, भगवान फिर भगवान सुनेंगे हमारी, डायरेक्ट प्रार्थना नहीं सुनेंगे, हैं? डायरेक्ट प्रार्थना नहीं सुनेंगे। इसलिए जब भगवान राम जब जनकपुरी में गए, एक समय राम और लक्ष्मण, राम विश्वामित्र जी को बोले, बोले प्रभु लक्ष्मण की इच्छा हो रही है थोड़ा जनकपुरी दर्शन करने के लिए, जनकपुरी दर्शन करके आ। इतने में विश्वामित्र बोले देखो जनकपुरी दर्शन नहीं करना, जनकपुरियों को दर्शन दे करके आ, उनका दर्शन दे करके आओ।
इतने में राम लक्ष्मण गए दर्शन करने के लिए। क्या सुंदर राम लक्ष्मण, एक नीलांबर एक पीताम्बर, और दोनों भैया एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, दोनों भाई के हाथ में धनुष गुकुट, जैसे मतवाला हाथी है ना चल रहे थे। ऐसे जब जिस गली में जा रहे थे, जो एक बार उनको देख लिया ना, एक बार जो उनको देख लिया पागल हो जाते थे देख करके, और हल्ला मचा देते थे जनकपुरी में, बोले क्या दो सुंदर बालक आया है। और जिस गली में जाओ ना, बोले श्री राम लक्ष्मण की, जोर से लाउडली बोले राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए जयकार हो रहा। इतने में जो वहां की जो किशोरिया सखियां थी, जो किशोरी सखियां, कोई तो झरको से देख रही थी है, कोई और कोई छत को ऊपर से खड़ी होकर देख रही थी। और जो झरोखे से देख रहे थे ना, प्रभु का दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत को ऊपर जो दर्शन कर रहे थे ना, उनका दर्शन नहीं हो रहा था। बोले क्यों? बोले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी भी सर उठा करके पराई स्त्रियों को कभी ठाकुर देखा नहीं। हर समय जो प्रभु चलते थे सर को नीचे करके चलते थे, इसलिए कभी भी उस सर ऊंचा कर कभी ठाकुर किसी को देखे ही नहीं। कभी प्रभु राम का सर नीचा करके चल रहे थे, इसलिए जो ऊपर छत को ऊपर जो सखियां थी ना, उनका दर्शन ही नहीं हो रहा था। इतने में उन लोगों ने किया क्या, बोले प्रभु का दर्शन कैसे हो? तब उन्होंने खासे बोलते ना हम खासे, बोले हो सकता है सुन करके प्रभु का सर ऊंचा करेंगे करेंगे तो ठाकुर का दर्शन होगा, लेकिन ठाकुर तो करने वाले नहीं, वो देख नहीं रहे थे। जब देख नहीं रहे थे, इतने में पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण कौन? गुरु जीवाचार्य, लक्ष्मण गुरु है जीवाचार्य, बलदेव प्रभु है ना। इनकी कृपा से ही, गुरु की कृपा से ही भगवत दर्शन होता है, इसलिए गुरु का कृपा नहीं हो दर्शन नहीं होगा है। इतने में लक्ष्मण प्रभु राम से प्रार्थना के, बोले प्रभु देखो आपका जो सखियां है ना, ये छत के ऊपर खड़ी है, आपको दर्शन करना चाहते, एक बार सर को ऊंचा करो। भगवान राम, लक्ष्मण ये मायापुरी खबरदार इधर उधर मत देखा करो, माँ सीता की गुरी है ना, मतलब मायापुरी इधर उधर मत देखा करो, सर को नीचा करके चलो, इधर उधर मत देखा करो। लेकिन जब और थोड़ी दूर गई ना, फिर सखियां थोड़ी खास से हो सकता है प्रभु का दर्शन, थोड़ा सर उठाए के दर्शन होगा, लेकिन राम और सर ऊंचा करने वाले नहीं। फिर लक्ष्मण प्रार्थना की, मेरे प्रभु एक बार अपना सखियों का दर्शन दे दो। अभी लक्ष्मण जीवाचार्य है, जीव के साथ में कौन, गुरु ही तो जीव के साथ में भगवान को मिलाएगा ना, जीव के साथ में भगवान को मिलाने वाले गुरुदेव, लक्ष्मण आदि गुरु है। जब गुरु बार बार प्रार्थना करेंगे सुनना तो पड़ेगा, उनका सुनना तो पड़ेगा। जब बार बार प्रार्थना की, इतने में भगवान ने राम ने क्या किया, थोड़ी सी अपना सर को ऊपर उठाया। जब ऊपर उठाए ना, जितने सखियां थी प्रभु का दर्शन करके ना बेहोश हो गए, हाँ सबके सब बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, जब उनका होश आया ना, राम का पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमसे ब्याह कर लो, शादी कर लो हमसे। भगवान राम बोले लक्ष्मण तेरे को पहले बोल रहा था, हाँ तेरे को पहले बोल रहा था, इधर उधर मत देखा करो, देखा अभी सबके सब तू सबको शादी कर। इतने में भगवान राम बोले देखो, ये जो मेरा जो अवतार ये मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसी अवतार में मैं सीता के सिवाय और किसको मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए इसी अवतार में नहीं, मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तुम सबके सब गोपी बन करके आओ, फिर तो तुम्हारी इच्छाओं को मैं गोपी रूप से उसी समय सारी इच्छा को पूरी करूंगा है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, बोले थोड़ी सी महाप्रभु का जो भक्त है ना सार्वभौम करें, महाप्रभु को भक्तों को प्रार्थना करो, अगर ये भक्त लोग अगर हमारी हो करके प्रार्थना करेंगे फिर तो महाप्रभु जरूर सुनेंगे। जब उन्होंने ये बात भी बताई, इतने में सब के सब भक्त पहुंच गए महाप्रभु के पास में पहुंचे, लेकिन इसका हिम्मत नहीं होता महाप्रभु को बोलने के लिए, डरते ना कैसे बोलेंगे, राजा विषय महाप्रभु कभी विषय को दर्शन नहीं करते, कैसे बोले, सबके सब तो पहुंच गए लेकिन किसकी हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने के लिए है, लेकिन सबके सब बोलने के लिए आए महाप्रभु तो सर्वोत्तर जी, हम सब जानते हैं। बोले लगता है तुम लोग कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, लगता है कुछ बोलना चाहते हो। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु ने बोले, बोले प्रभु ऐसे ऐसे राजा को बोल रहा है, अगर आप उनको दर्शन नहीं दोगे, कान में कुंडल पहन करके संन्यास बनकर राज विषय भोग त्याग देंगे, अगर आप उनको दर्शन नहीं देंगे हैं,
इसलिए आप तो दर्शन करना चाहते हो। लेकिन इसको सुनकर के महाप्रभु तो खुश हुए, महाप्रभु तो अंदर अंदर में प्रसन्न हुए। राजा जो राजा को नहीं जानते हो, ये साधारण नहीं, ये पहले ये इंद्रदुम्न महाराज थे। कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहबत। महाप्रभु जब आए पूरा परिक्रम लेकर के आए, अकेले नहीं आए, वही इंद्रदुम्न महाराज जिसने सत्य युग में जगन्नाथ जी को जिसने स्थापन किया, जगन्नाथ जी परम भक्त है, जगन्नाथ जी ने कृपा किया, दर्शन दिया और इनके हाथ से जगन्नाथ जी स्थापित हो गए। इसलिए वही जगन्नाथ, इसलिए जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं, ये अचल जगन्नाथ, महाप्रभु सचल जगन्नाथ। ये अचल जगन्नाथ कौन, जगन्नाथ बैठे, सचल जगन्नाथ कौन है, चैतन्य महाप्रभु। अभी वही जिनको जिनकी सेवा को ग्रहण किया, अभी वही अभी आए किस रूप में, ये इंद्रदुम्न महाराज, ये राजा प्रताप रुद्र रूप में आए, उनकी जन्म जन्मांतर की है, ये उनकी भक्त हैं। लेकिन महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए ऊपर से ये लीला को महाप्रभु कर रहे थे। इतने में जब महाप्रभु ने ये बात को सुने, वो क्या चाह रहे हैं, कर देखी वसे चंद्र मुख नयन भरिया, धरी वसे पाद पद्म हृदय तुलिया। इसलिए कह रहे हैं राजा की क्या इच्छा है, बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आपका जो चंद्र चंद्रमुख है, कमल नयन है, हे प्रभु मेरी इच्छा है एक बार दर्शन करे, और आपका दोनों चरणों का अपना हृदय में मैं धारण करना चाहता हूँ, इनकी ये भावना है। लेकिन महाप्रभु उसको सुन करके बोले देखो मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का ये धर्म नहीं किया, तुम लोग चाहते मैं अपना धर्म को त्याग दे दूं, तुम लोग यही चाहते हो धर्म को मैं त्याग दे दूंगा, कभी मैं राज विषय दर्शन नहीं कर सकता। उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने मना कर दिए। जब मना कर दिए, इतने में वहां पर से जो नित्यानंद प्रभु थे ना, नित्यानंद प्रभु कौन है, कि नित्यानंद प्रभु कहते ये सख्यात बलदेव प्रभु, नित्यानंद गुरु तत्व है, लेकिन उनको पता है कैसे क्या करनी चाहिए। इतने में नित्यानंद प्रभु ने बोले प्रभु और ये काम कर सकते हैं, बोले बताओ क्या बोलना चाहते हो, बोले अगर आप उनको दर्शन नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, आपका जो वस्त्र है ना, आप एक आपका एक वस्त्र आप राजा को भेज सकते हो, एक वस्त्र भेज दो, क्योंकि जो वस्त्र है, देखो इसमें बड़े रहस्यपूर्ण बात, जो वस्त्र क्या है, कृष्ण का शरीर में बलदेव प्रभु ही 10 शरीर से बलदेव प्रभु कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण का जो वस्त्र बलदेव प्रभु, उनका जो जनेऊ बलदेव प्रभु, उनका खड़ा बलदेव प्रभु, उनका सिंहासन बलदेव प्रभु, छत्र व्यंजन बलदेव प्रभु, उनकी जो अनंत नाग जिसको ऊपर शयन किए हुए भगवान, वो कौन है, अनंत देव बलदेव प्रभु का प्रकाश है। इसलिए सबके सब बलदेव प्रभु वो अनंत रूप में प्रकाश होकर के उन्होंने कृष्ण सेवा कर रहे हैं, इसलिए और कृष्ण सेवा कर रहे हैं। और बलदेव प्रभु कौन है, हे कौन बलदेव प्रभु, जब पूरा हमारे बृहद बृंदारण्य उपनिषद में आया है, कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष पर नीचे कृष्ण खड़े हुए हैं, अभी वो सोच रहे हैं मैं लीला करूं, लेकिन वो अकेले तो लीला कर ही नहीं सकते, लीला तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई खेलना हो मतलब कुछ अकेला, कोई क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल अकेला कोई खेलते हैं, कोई अकेला नहीं। इसलिए जब कृष्ण की इच्छा हुई लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए, इतने में कृष्ण का बाम अंग फड़कना शुरू किया, और फड़कते फड़कते वहां पर श्री एक सुंदर दिव्य स्त्री कौन, श्री राधा रानी प्रकट हुई, और रास से प्रकट हुई पहला अक्षर हो गया रा। फिर उन्होंने सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके कृष्ण की सेवा के लिए धावित हुई, धावित मतलब दौड़ना, वो दौड़ी, इसलिए इनका नाम पड़ गया राधा। इसलिए इनके बाम अंग से कौन प्रकट हुई, राधा रानी, और राधा रानी ही कृष्ण की सेवा करने के लिए अनंत रूप में जो ललिता विशाखा चंपक लता कौन है, राधा जी की बोला आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, राधा रानी ही कृष्ण सेवा के लिए अनंत रूप को धारण करते हुए सबके सब कृष्ण सेवा कर रहे हैं। अभी कृष्ण का बाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई, बल्कि दाहिने अंग से कौन, श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, श्री बलदेव प्रभु कतरा शंकर सन कारण तो साई गर्भोद साई जो पयोक्ति साई हैं। इसलिए जो बलदेव प्रभु बलदेव जो शंकर सन पर चतुर्भी और वासुदेव शंकर सन प्रद्युम्न अनिरुद्ध हुए, फिर वहां से फिर कारण तो साई गर्भोद साई क्रोध से फिर शेष रूप में अनंत देव इनसे प्रकाशित हुए। इसलिए बलदेव प्रभु ही अनंत रूप में कृष्ण सेवा बलदेव प्रभु करते हैं। इसलिए जो उनका जो वस्त्र कौन है, कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए आप देख लेना
जैसे गुरु वर्ग है ना, जैसे चले गए, जैसे कोई समाधि कैसे बनाते, उनको अगर कोई माला पहना हुआ प्रसाद माला ले लेते हैं, नहीं तो उनका कोई वस्त्र हो ना, उसी वस्त्र को समाधि में, जब कोई पुष्प समाधि होता है इनका वस्त्र को, क्योंकि कहते जो भक्त है, भगवान की बात छोड़ दो, जो भक्त है उनका वस्त्र भी उनसे अभिन्न है। इसलिए हम गुरु जी का कोई वस्त्र पूजा करते हैं ना, गुरुदेव पे खड़ा हो कोई वस्त्र हो वो अपना घर में रख करके उसको ही हम पूजा करते, क्यों, वो जो वस्त्र है भगवान से अभिन्न है ये वस्त्र है। बोले प्रभु एक काम करो, बोले क्या बताओ, बोले अपना एक वस्त्र दे, ये वस्त्र को लेकर के पूजा करें। तो उन्होंने एक वस्त्र दिए, बोले ठीक है हम ये तो कर सकता हूँ। तो गोविंद से पूछे जो महापुरुष का सेवक, एक वस्त्र महाप दे दिया, राजा को वस्त्र पा करके बड़े खुश हो गए, बोले महाप्रभु से अभिन्न उनका वस्त्र है, उससे प्रसन्न हुए। फिर जो उस समय जो गवर्नर थे कौन, राय रामानंद, कौन थे, राय रामानंद गवर्नर उस समय थे हैं, लेकिन वो कृष्ण लीला में कौन थे, ये विशाखा सखी, विशाखा सखी। अभी उन्होंने राजा से तो गवर्नर थे, लेकिन जब महाप्रभु का प्रति उन्होंने आकृष्ट हुए, तो उन्होंने महाप्रभु राजा से बोले, बोले महाराज मैं चाहता हूँ पूरी जाऊं और महाप्रभु से मिलूं। लेकिन राजा तो पहले से भक्त है, इंद्रदम्न राजा पहले थे हैं, भक्त है। जब उन्होंने बोले ये गवर्नर, सारी दुनिया को यही देखते थे, जब बोले मिलने के लिए तो खुशी होकर बोले जाओ, कोई बात नहीं जाओ, महापुरुष सेवा के लिए जा रहे हैं ना, मिलने के लिए जाओ। बोले एक ही काम करना, बोले बताओ क्या करना, बोले तुम तो बुद्धिमान और स्वयं विशाखा बड़े बुद्धिमान, बोले तुम समय समय से थोड़ी सी मेरे लिए महाप्रभु को प्रार्थना करना, थोड़ी सी महाप्रभु से मिलने के लिए इतना करना। बोले कोई बात नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगा। राय रामानंद उनका उनका आदेश दे दिया, तो उन्होंने आए, पहले उन्होंने उनको साथ में मिले ना हैं, मिले मिलकर जो राय रामानंद संवाद हुए उनको साथ में, इसलिए महाप्रभु प्रसन्न थे और बड़े बुद्धिमान, और समय समय पर वो बोलते हैं, समय समय पर बोलते हैं, मौका पाते ही है ना वो बोल पड़ते हैं। प्रभु जो राजा है ना हम बहुत प्रेम करते हैं, और एक बार उनको दर्शन दो, एक बार उनको दर्शन दो, मौका पाते ही बात बोलते थे, ये बात बोलते थे मौका पाते ही। और महाप्रभु हैं उनकी सेवा से संतुष्ट होकर, देखो ठीक है मैं एक काम कर सकता हूँ, बोले बताओ, बोले राजा से तो नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मेरे को पता है सारे सदगुण उसके अंदर में, सारे सदगुण, लेकिन एक दुर्गुण है। बोले क्या है, बोले जो राजा जो है ना, ये जो शब्द है ना सब कुछ गड़बड़ी कर दिया। वो जो राजा है ना, राजा से मिलने में जाओ इसलिए यही चीज गड़बड़ी हो गई, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे को प्रति उसका प्रेम भाव मेरे को पता है, लेकिन जो राजा है सब कुछ गड़बड़ कर दिए। इसलिए एक काम करो, बोले आत्मा वही जायते पुत्र, बेटे को क्या मानी जाती है, जैसे पिताजी शरीर छोड़ते पिंड कौन देता है, पुत्र देता है ना, पिंड पुत्र देता है, इसलिए जो पुत्र को है ना पिताजी का अपना स्वरूप पुत्र को मानी जाती है, क्योंकि इसके औरस से बेटा होता है ना, औरस से बेटा होता है, इसलिए पिता का जो अभिन्न स्वरूप किसको मानी जाती है, उसको पुत्र को मानी जाती है। इसलिए एक काम करो, उसका जो बेटा है ना वो बेटे को मेरे से मिला। जब इतना बात बोले राय रामानंद खुश हुए, बोले ठीक है फिर मैं राजा को बोलता हूँ, फिर उन्होंने बेटे को उन्होंने बुलाया, फिर बेटे से मिलाया। उनका जो बेटे है बहुत सुंदर राजा का बेटा था, श्याम रंग का, एकदम नवजवान है, आंख जैसे कृष्ण का, जैसे बड़े बड़े मोटी मोटी आंख है ना उसका, आंख बड़े मोटी मोटी कृष्ण का जैसे आंख है, और एकदम श्याम रंग के पीतांबर पहन करके, जब महाप्रभु के पास में उन्होंने आए और महाप्रभु ने जब उनको दर्शन किया है ना, दर्शन करते कृष्ण स्मृत हुआ, क्योंकि जो महाभागवत होता है ना सभी जीव का हृदय में कहते स्थावर जंगम देख नादे के तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरितार इष्टतर मूर्ति, वो पेड़ पौधा लता पता नहीं देखते हैं, सभी के हृदय में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं, जो महाभागवत है वो उनको दर्शन करते हैं, है उनको दर्शन करते हैं। इसलिए इनके हृदय में जो है कौन है, भगवान सभी के हृदय में बैठे, ठाकुर तो बैठे ना, ठाकुर सब कहते हैं बैठे होगी, इसलिए बोले जीव सम्मान दिव्य जाने कृष्ण अधिष्ठान, बोले किसी जीव को भी अपमानना कभी नहीं करनी चाहिए, क्यों, सभी के हृदय में ठाकुर ही तो बैठे हैं ना, किसको अपमान करना मतलब नेगलेक्ट करना, मतलब भगवान को एक तरह से भगवान को करना, इसलिए कहते जीव सम्मान दिव्य जाने कृष्ण अधिष्ठान,
सबको सम्मान करना भगवान की बसती, सभी के हृदय में भगवान की निवास है। इसलिए जब उनको दर्शन करते हैं ना, उनको तो एकदम कृष्ण स्मृति आते, कृष्ण स्मृति आते ही महाप्रभु उसका आलिंगन किया। अरे महाप्रभु जब आलिंगन किया ना, अरे महाप्रभु का अगर किसकी आलिंगन मिल जाए, आप बताओ आनंद ही आनंद है। फिर तो महाप्रभु का आलिंगन पा करके उनके शरीर में जितने सारे है कृष्ण प्रेम स्वेद कंप अश्रु पुलक नाचने लग, कृष्ण प्रेम उन्माद होकर के उधर नाचने लग गए, हैं नाचने लग गए कृष्ण स्पर्श पा करके। बोले कितार्थ है ला मामी यह दर्शन है, ए तो बोली कैले तारे पूर्ण आलिंगन है। महाप्रभु कह रहे हैं इसको दर्शन करते हुए मैं कितार्थ हो गया, क्यों साख्यात कृष्ण की स्मृति मेरे को आई, कृष्ण स्मृति आई और महाप्रभु का स्पर्श से क्या हुआ, जितने स्वेद कंप अश्रु स्तंभ पुलक सबके सब उसका शरीर में प्रकट हो गया। और जो बेटा था ना, कहते कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघा करे भक्तगण। जब कृष्ण प्रेम में वो भी नाचने लग गए, जितने भक्त लोग बोले देखो कितने भाग्यवान है, साक्षात भगवान जिनको स्पर्श किया आलिंगन किया, महाप्रभु का आलिंगन पाकर कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। कितने भाग्य इसकी है, हैं कितने भाग्य है। तो महाप्रभु उसको धैर्य धारण कराए और उसको विदाई दिया है। लेकिन जब वो बेटा आया फिर किसको पास में, राजा को पास में, महाप्रभु आलिंगन ने किया। फिर जब उनको पुत्र है, अपने बेटे के प्रति कितना प्यार होता है, पुत्र है। फिर जब उनको जब राजा ने फिर इनको जब आलिंगन किया ना, साक्षात रूप में महाप्रभु को स्पर्श का जो अनुभूति, फिर इनको साक्षात महाप्रभु स्पर्श की अनुभूति प्राप्त हुई। राजा भी अपना जीवन को धन्य धन्य मान लिया। जो धन्य धन्य मान लिया, जब वहां पर रहे ठीक रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आया है। और रथ यात्रा की 15 दिन पहले जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता। अभी स्नान यात्रा गया ना, जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं, जो स्नान कराते इतने पानी में स्नान कराते ना, जगन्नाथ बुखार आ जाते। अभी जगन्नाथ जी बुखार में पड़े हुए, जैसे बुखार आने पर देखना क्या खाते हैं, पतली पतली खिचड़ी नहीं तो फल फूल दवा खाते हैं ना, जगन्नाथ जी दवा लेते हैं। एक पांचन है, उसका नाम पांचन, 5 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है। और उसमें जो दूध होता है ना गर्म गर्म, जो उसका जो मलाई होता है वो मलाई दे करके बनता है। आप सोच नहीं सकते इतने टेस्ट है। हम बोलते ना अमृत खाया, अमृत कोई बढ़िया चीज बनना, हम कहते अमृत जैसे, सचमुच से वो इतने स्वादिष्ट, इतने स्वादिष्ट है जैसे अमृत जैसे, इतने उसकी स्वादिष्ट है। हैं कभी भाग्य होगा इस समय कभी रहोगे तो पाओगे कभी। इसलिए वहां पर उसको जगन्नाथ जी को 15 दिन तक बुखार में पड़े रहते हैं। जब बुखार में पड़े रहते हैं, और बुखार नहीं वो प्रेम, भगवान को थोड़ी कोई बुखार होता है, भगवान को थोड़ी स्नान हम ही करते हैं। क्यों कहते, जो रात को सोते हैं ना, शास्त्र ने बताया अर्ध मृत्यु है। हम जो सवेरे क्यों नहाते हैं, सोने पर अर्ध मृत्यु मानी जाती है, रात में अज्ञान होकर पड़े रहते हैं ना, अर्ध मृत्यु मानी जाती है। इसलिए हम सवेरे उठकर क्या करते हैं, स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए। हम पवित्र होने के लिए, भगवान को थोड़ी कोई पवित्र होना है। कहते नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवाह जह स्मरित पुनरेकाख्यम स बाह्यापवित्र। जिनका नाम लेते ही बाहर भीतर पवित्र, उनको किस चीज की भर बुखार है, कहते प्रेम की बुखार है, बुखार नहीं। जगन्नाथ जी एकांत में 15 दिन तक वहां पर रहते हैं और बुखार की बहाना बनाते हैं। और बहाना बनाकर क्या करते हैं, तो लक्ष्मी को केवल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो थोड़ी से आदेश दे दे, हैं आदेश दे दे, मैं थोड़ा वृंदावन जाऊं और ब्रज गोपियों से और राधा रानी से मिल करके आऊं। जानते हैं अब देखना, अब देखना जब कोई पत्नी को पति से अगर कोई चीज मांगना हो तो ना खूब सेवा करती है, खूब सेवा, पति को पता चलता है उसे दाल में काला है, इतना क्यों कर रही है, कुछ बोलेगी कुछ मांगेगी, हैं ये कुछ मांगेगी। उसी तरह यहाँ पर जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी है क्या करते, लक्ष्मी को खूब सर पर हाथ घुमाते हैं, तो हाथ घुमा घुमा करके इसको केवल इतना के लिए हमको 2-3 दिन के लिए आदेश दे दे, मैं थोड़ी सी चाहू कहा पर वृंदावन जाऊं और जाकर गोपियों से राधा रानी से ब्रजवासियों से मिल करके आऊं। जगन्नाथ जी 15 दिन तक उनको ये करते, उसको बाद में उसको नवजौवन दर्शन होता है रथ यात्रा से 1 दिन पहले नवजौवन। फिर जगन्नाथ जी को श्रृंगार करके बड़े सुंदर रूप में, क्योंकि पानी फानी डाले ना सब उनका जो अंगराज खराब हो जाता है, जगन्नाथ जी को नवजौवन दर्शन होता है।
दर्शन होने पर श्री जगन्नाथ जी लक्ष्मी से बोलते थे, तुम तो देखा है ना 15 दिन तक तेरे पास में रहा, लोगों को दर्शन भी नहीं दिया, और दिन रात तेरे को मैंने स्नेह प्यार प्रीति दे दिया और तेरे साथ में रहा, और वो बुखार की बहाना बनाते, बोले देखा ना मैं बुखार में था, बहाना बनाते, मन अच्छा नहीं लगता, एक दो दिन के लिए आदेश देते सब घूम घाम कर जा रहे। तब लक्ष्मी कहती है हाँ इनको 15 दिन तक बुखार चला रहा और मेरे पास में रहे, बोले कब आओगे, आज जाऊंगा कल घूमकर परसों वापस आ जाऊंगे, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। लेकिन किसको लेकर नहीं जाते, लक्ष्मी को लेकर ले जाते हैं, अपना बहन और बलदेव प्रभु को लेकर। बोले क्यों लक्ष्मी को क्यों नहीं लेकर जाते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लक्ष्मी है इनके जो भगवान के प्रति भावना ऐश्वर्य होती है, कृष्ण द्वारकाधीश राजाधिराज है, लेकिन ब्रज में क्या है वहां पर माधुर्य भावना, वहां पर कृष्ण को कोई भी भगवान नहीं मानते हैं, कोई कहते हैं हमारे प्यार प्राण प्यार सखा है, अगर कभी श्रीराम के साथ में कुश्ती लड़ते हैं ना, श्रीराम कृष्ण को हरा देता है, पछाड़ देता है, श्रीराम तू तो किस चीज के बड़े बता, तेरे पिताजी का कितना गैया है, बोले 9 लाख, बोले मेरे 11 लाख, और तेरे साथ में कुश्ती लड़ तेरे को परास्त कर देता हूँ ना, परास्त कर देता हूँ, इसलिए तुम मेरे किस चीज से बड़े, इसलिए तुम ही हमें समा, और मैया तो बात बात में अगर कोई मिट्टी खा लिया तो सीधा कान जाकर पकड़ लेती है, बोले चोर छोटे अरे में मखनी की कमी, तुमने मिट्टी खाई तुमने हैं, वहां पर उखल में बांध देती है और उठाती है बैठाती है, अरे गोपियां तो उनकी बात ही छोड़ दो, पता नहीं कृष्ण कितना बार प्यार में पड़ते हैं उनके, राधा रानी की अगर मान कर ले तो कहते हे राधे ये गिरिराज उठाने में मेरे को जितने शक्ति नहीं लगता है, अघासुर बकासुर को मारने के लिए जितने शक्ति नहीं लगता, जब राधा रानी मान कर लेती है ना फिर मान मनाने में बड़ा कठिन है, मान मनाने में पता नहीं मेरे को इतना ताकत नहीं लगता जो इतना ताकत है मान मनाने में, अरे कृष्ण तो अपना चरणों को डाल देते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदारो, अपना उदार चरण को मैंने सर पर रख दिया, मतलब ऐसे ये ब्रज प्रेम है शुद्ध प्रेम, वहां पर कृष्ण कोई भगवान नहीं मानते हैं, सब अपना प्राण प्यारे सखा बच्चे मानते हैं। लक्ष्मी वो चीज को समझ नहीं सकती है, लक्ष्मी तो पूजा करती है हर समय प्रभु के चरण के धोकर पानी पीना उनको पूजा करती है, इसलिए वो प्रेम को नहीं समझ पाएगी, इसलिए लक्ष्मी को साथ में नहीं ले जाते, ले जाते दाऊ भैया श्री और किसको सुभद्रा को ले जाते, वो जो ब्रज प्रेम को जो समझ सकते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी फिर बैठ करके कहाँ आते हैं, वहां से फिर आते हैं गुंडीचा मंदिर आते हैं, गुंडीचा मंदिर में आते हैं। टाइम कितना हो गया ना, टाइम हो गया ना, ठीक है, इस कल जिसको बाद का प्रसंग हम सुनेंगे आगे क्या क्या हुआ है, कैसे जगन्नाथ जी मनाते हैं, कैसे जगन्नाथ जी रथ यात्रा क्या चीज है, कैसे क्या नहीं करते, इसका पता कर सकते, ठीक है। पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल की जय। आरती करना प्रभु जी, हाँ फटाफट आरती करो, कितना टाइम हो गया प्रभु जी, टाइम कितना हो गया, 8:30 बजने वाले, बोलो जगन्नाथ जी का सोना वेश होता है लाल, जगन्नाथ जी जब अंदर में प्रवेश करेंगे उससे एक दिन पहले ही होता है।